हरियाणा में बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही सियासी पारा उफान पर है। SYL के मुद्दे पर इनेलो की ओर से हरियाणा सरकार पर साधे गए निशाने का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इनेलो जिस तरह से काम कर रही है, इससे उन्हें शंका है कि इनेलो SYL का पानी हरियाणा में लाना चाहती है या फिर इसमें रोड़ा अटकाना चाहती है। मनोहर लाल ने कहा कि इनेलो जिस तरह से SYL के मुद्दे पर काम कर रही है, उससे सुप्रीम कोर्ट अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला SYL पर हरियाणा के हक में आ रहा है, ऐसे में इनेलो को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। गौरतलब है कि आज पटियाला सेंट्रल जेल से अभय चौटाला सहित इनेलो के दूसरे नेताओं के रिहा होने के बाद अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने पीठ दिखाने का काम किया और केवल पीठ नहीं दिखाई बल्कि हरियाणा प्रदेश के पक्ष को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपनी जिम्मेवारी समझ करके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार के गतिविधियों के कारण से और कोर्ट में ही कोई उल्टा निर्णय आ जाए, ये कहीं उसको रोड़ा ना बना दे। विरोध इस प्रकार का अगर जिस प्रकार का प्रकट कर रहे हैं, ये मुझे कई बार शंका होती है कि SYL को लाना भी चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते। उधर अभय चौटाला ने मनोहर लाल पर SYL के मुद्दे पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त नहीं ले पाने पर निशाना साधा तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। 3 महीने हो गए प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक समय नहीं ले पाए, इसका जवाब मुख्यमंत्री से विधानसभा में मांगूंगा, विधानसभा में पूछूंगा कि आपको अगर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री समय नहीं देता तो ऐसे कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पे रहने का एक दिन अधिकार नहीं बन जाता, उसको मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जाएंगे। देखिए, समय लेने के लिए हमने भी पत्र लिखा है, समय लेने के लिए उन्होंने भी पत्र लिखा है। अब प्राइम मिनिस्टर की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, जब हमको समय मिलेगा जब जाकर देख करके बात करके आएंगे। हम राष्ट्रपति के पास भी आकर गए थे और उनसे भी हमने बात की है। तो सियासत खूब होती हुई नजर आ रही है इस समय हरियाणा में SYL के मुद्दे पर।